नमस्कार दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया 16,000 से भी ऊपर कुछ वैकेंसीज निकला है रेलवे के लिए, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा एक जो वैकेंसी है निकला है, जो कि 62,000 के बाद ये निकला है। ठीक है, आज पूरा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हो और कौन से जोन में कितना कितना वैकेंसीज है। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए, ये है ऑफिशियल नोटिस। तो ये आप अगर रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrb.gov.in उसमें जाएंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो डिवीज़न वाइज आपको क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले जान लें कि ये 16,328 पोस्ट के लिए है, जो कि डिफरेंट जोन्स, जो पूरे भारत में डिफरेंट जोन्स है उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जोन क्या है आपको बता देते हैं। ये साउथर्न वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, वेस्टर्न में है, वेस्टर्न सेंट्रल है और साउथ ईस्टर्न है। तो कहाँ कितना है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपको चाहिए। आप कहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न में 963 है, 963 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है। ईस्टर्न रेलवे में 2,907 अप्रेंटिस पोस्ट, 3 ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 2,234 अप्रेंटिस पोस्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 2,090 है अप्रेंटिस पोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 745 अप्रेंटिस पोस्ट है। सभी अप्रेंटिस है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे तक, 703 है नॉर्थ सेंट्रल में। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उसमें 12 है स्काउट्स एंड गाइड कोटा पोस्ट। उसके बाद है सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है, इसमें 78 DEO एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 21 स्पोर्ट्स कोटा में है, ठीक है, साउथर्न रेलवे में 21 स्पोर्ट्स कोटा में है। ये स्पोर्ट्स कोटा में कौन सा स्पोर्ट्स है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स पता चला लग जाएगा। साउथर्न रेलवे में 21 है और वेस्टर्न रेलवे में 14 स्काउट एंड गाइड कोटा में है। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपको 160 ACT बिफोर 1 ACT अप्रेंटिस पोस्ट है। ठीक है, 160 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है। सेंट्रल रेलवे में फिजियोथेरापिस्ट पोस्ट के लिए खाली है, जो कि आई थिंक एक ही है। ठीक है, और सेंट्रल रेलवे में 5 डाटा एंट्री, डिजिटल ऑफिस असिस्टेंट है और भी अदर्स पोस्ट के लिए है। नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी पोस्ट कल्चरल कोटा में है। ठीक है, तो यहाँ और ज़्यादा कुछ आपको बताने वाला है नहीं। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आप चले जाएंगे, तो वहाँ से आप ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। और ये 2019 का बिगेस्ट आई थिंक जो फास्ट को जो पहला जो अभी 2019 में वैकेंसीज निकला है इसमें आई थिंक ये सबसे बड़ा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया है ये वैकेंसीज निकला है। ये काफ़ी एक मतलब जो जो रेलवे में जॉब चाहता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक मतलब खुशी का खबर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक वैकेंसीज निकला है। ठीक है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में भी एक अलग सा वीडियो बना देंगे। आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ठीक है ये कैसे अप्लाई करना है उसका भी एक वीडियो चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ऐसा चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, तो आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं ऐसे ही कभी आपको आपके लिए खबर लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।